कल रात को ही मैंने राजमा और मसूर दाल भिगो कर रख दिया था। एक कटोरी राजमा है और 2 कटोरी खड़ी मसूर दाल है। इसको एक बर्तन में मिक्स करके भिगो कर रख देंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं किचन में आ गई हूँ। कल जो राजमा और मसूर दाल भिगो कर रखी थी वो बहुत अच्छी तरह से भीग गई है। ये देखिए, ये अभी मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ। अब इसको मैं कुकर में डाल करके विसियन लगवाऊंगी और फिर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए कुकर चढ़ा देती हूँ। ये देखिए, दाल हमारी तले भीग गई है। अब मैं इसको इसमें डाल करके मैं चावल गंजी में बनाती हूँ। इसका माल निकाल करके पानी चढ़ा दिया। उसमें जब उबाल आ गया पानी में तो थोड़ा सा नमक डाल दिया और फिर धुले हुए चावल डाल दिए। अब इस छन्नी में इसका पानी निकाल लेंगे, छन्नी से छान लेंगे तो चावल अलग हो जाएगा। इसी तरह हमको अपने राजमा और मसूर दाल को बॉयल करना है। इसको जब बॉईल करते हैं तो बहुत सारा पानी बाहर आता है, इसलिए गैस को बहुत सिम करके ही आप बॉईल करिएगा। धीमी आंच में बढ़िया से बॉईल हो जाएगा। बस इसमें अब तड़का लगाएंगे। अब राजमा दाल को फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने 3 प्याज ली है छोटी छोटी, कुछ लहसुन लिए हैं और ये हरी मिर्च है और बिल्कुल छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। मेरे पास आज टमाटर नहीं है इसलिए मैंने आज आधा ही टमाटर लिए। तो पहले हम प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक सबको काट करके मिक्सर ग्राइंडर में इसमें पीस लेते हैं। फिर उसके बाद टमाटर को बाद में पीस लेंगे। ये हमने सब कट कर लिया है। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पीस लेंगे। इधर अपना चावल भी हो गया है। थोड़ा सा इसको हाथ से ऐसे देख लेंगे, बिल्कुल हल्का सा कच्चा रहना चाहिए और पक जाना चाहिए। गैस को बंद कर देते हैं तो बड़े सावधानी से इसमें छान लेंगे। देखिए हमारा चावल एक एक बनता है इस तरह में। इसका पानी अच्छे से निथार लेंगे और इसे गंदगी को इसे वापस से पलट देंगे।
करके गैस के ऊपर ही थोड़ा देर रखा रहने देते हैं। सारे मसालों को मिक्सिंग चला लेंगे अच्छे से। मसाला बिल्कुल बारीक पिस गया है, देखिए बिल्कुल बारीक पिस गया है। इसको मैं किसी बर्तन में निकाल लूंगी। अब इसमें टमाटर पीसेंगे, मैंने टमाटर काट लिया है, इसको भी पीस लेंगे। कढ़ाई कर देंगे और हमको राजमा दाल फ्राई करना है। इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी, ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि अभी इसमें मलाई भी डालना है, इसलिए कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ही डालेंगे, बस इतना ही डालना है। और कढ़ाई को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैं प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट अभी पीसा है वो डालूंगी। कटोरी में एक चम्मच धनिया, थोड़ी हल्दी, इतना गरम मसाला, इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका गोल तैयार कर लेंगे। रेडी किया हुआ घोल डाल देंगे। ये राजमा मसाला है, इसको भी डाल देंगे। हमने राजमा दाल की क्वांटिटी के हिसाब से ही डाल रहे हैं, तो दो चम्मच डाल देते हैं। टमाटर को छोटा वो डाल देंगे। उबालते समय राजमा में नमक डाल दिए थे, ये बिल्कुल हल्का सा नमक डालना, थोड़ा सा बिल्कुल जहरा सा। अब इसमें हम थोड़ा सा मलाई डालेंगे, अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। घी सब छोड़ने लगे, अच्छे से भून देंगे। और फिर इसमें हम ये जो हमने अपनी राजमा दाल बॉयल की है उसको डाल देंगे। अगर ये हमको गाढ़ी लग रही तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, कुकर में थोड़ा सा पानी डाल करके। ये हमारी राजमा दाल रेडी हो गई, एक उबाल आने पर गैस को बंद कर देंगे। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा लग रहा है। यम्मी। दाल में जो अपन इसके मसाले प्याज और हरी मिर्च अदरक वगैरह डालते हैं और उसके बाद जो मलाई डाल देते हैं उसका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। रेसिपी मैं बताती हूँ, वो आप बना करके मेरे इंस्टाग्राम या इंस्टाग्राम जो आईडी आ रही है उसमें आप जा करके अपनी पिक डीएम में भेज सकते हैं, तो आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हैं जो रेसिपी मैं बताती हूँ उसको बना करके। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, आप लोग भी बनाइए और ऐसा ही ठंड में बढ़िया गर्मा गर्म चावल और राजमा दाल एंजॉय करिए।